हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीता अमृता। मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज के इस गीता अमृत सत्र के लिए। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के प्रणाम मंत्रों के द्वारा मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान को पढ़ रहे थे और हमने कल श्लोक संख्या 10 9 सॉरी का एक लास्ट पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग 10th नंबर वर्स में जाएंगे। सो भगवत गीता श्लोक संख्या भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। तो हमने इस श्लोक को कल पढ़ा था और अच्छे से समझने की कोशिश की थी कि भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति राग भय और क्रोध अटैचमेंट अनुराग भय फियर क्रोध इन तीनों से फ्री हो जाता है और भगवान को समर्पित हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग भविष्य काल में इस ज्ञान के माध्यम से भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त किए हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त किए हैं। और इस विषय में हमने काफी डिटेल से स्टडी किया था, यहां तक आज हम इस तात्पर्य के इस अंग से इसकी शुरुआत करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगा अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्त स्यात् 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 तो निष्ठा रुचि ततः अथासक्ति अथ आसक्ति ततो भावा ततः प्रेमाभ्य दंचति साधकानां प्रेम्नः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अनुवाद, ये भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है वो रूप गोस्वामी द्वारा रचित है, षड् गोस्वामियों में एक गोस्वामी है रूप गोस्वामी। और ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, भक्ति के विषय में श्लोक में बतलाया गया है कि भक्ति की कितनी स्टेजेज होती है। इसमें उस स्टेजेज को बतलाया गया, भक्ति में 8 स्टेजेज होता है, उसी स्टेज की व्याख्या है। सबसे पहला जो है वो श्रद्धा। अनुवाद इस प्रकार, प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, तो सबसे पहला श्रद्धा। तथा साधु संगा, इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं।
उसको बोलते हैं साधु संग करना। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद स्थिति से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे इस स्टांजा को। इसका ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली इसमें भक्ति की अवस्थाओं को बतलाया गया है। तो सबसे पहली अवस्था भक्ति की या आत्म साक्षात्कार की। भक्ति में पहला जो होता है आत्म साक्षात्कार और फिर भगवत साक्षात्कार। तो इसलिए यहां लिख रहे हैं आत्म साक्षात्कार की का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ इच्छा से होता है, मतलब, और उसको बोलते हैं श्रद्धा। तो पहला स्टेज श्रद्धा। उसके बाद जब श्रद्धा आपकी डेवलप होती है तो हम साधु संघ मीन्स डिवोटी का एसोसिएशन लेते हैं, भगवती गीता क्लासेस, भागवतम क्लासेस, टेम्पल आना, तो इसको बोलते हैं साधु संघ। तो सबसे पहले क्या है, आदव बिगनिंग श्रद्धा। हमें श्रद्धा हुआ कि हमको भगवान कौन है, भगवान के विषय में जानना चाहिए, श्रद्धा। फिर हमने एसोसिएशन लिया साधु संघ, और जब हम साधु संघ करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, तो भजन क्रिया, आपको बोला जाएगा नाम जप करना है, आपको बोला जाएगा भगवान के नाम का चिंतन करना है, स्मरण करना है, भगवान का प्रसाद कर, तो भजन क्रिया कीर्तन करना है, तो साधु संघ करेंगे। तो थर्ड स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं भजन क्रिया। और फोर्थ स्टेप ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात। और फोर्थ क्या है उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। निवृत्ति मतलब फ्रीडम फ्रॉम अनर्थ। जो हमारे जीवन में जो पाप कर्म है के जो फल है उसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ मीन्स जिसका कोई उपयोग नहीं है हमारे जीवन के लिए, वो हमें सदा केवल कष्ट देता है, तो अनर्थ निवृत्त हम होते हैं। हमारे अनर्थ जो जीवन में है, जो हमारे भाग्य में जो अनर्थ है, उससे हम निवृत्त होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा स्टेप है। हम अभी सब जितने लोग हैं अभी भजन क्रिया करते हैं और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी स्टेज में सारे लोग घूमते रहते हैं अनर्थ निवृत्ति से। और जितनी जिसकी अनर्थ निवृत्ति होती है, मतलब जिसका जितना कॉन्शियसनेस शुद्ध होता है, अनर्थ निवृत्ति मतलब प्यूरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना का शुद्धिकरण, भजन क्रिया करते हैं तो शुद्धिकरण होगा और हमारे अनर्थ कम होंगे, हमारे पाप वृत्तियां कम होंगी। तो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद, या जिस डिग्री में हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई है उस डिग्री में निष्ठा, भक्ति के प्रति हमारी निष्ठा जागृत होती है। बिगिनिंग में श्रद्धा थी। श्रद्धा मतलब एक थोड़ा सा एक डिजायर, उसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। और निष्ठा मीन्स स्ट्रॉन्ग फेथ,
जब हमारी अनर्थ निवृत्ति अच्छे से हो जाती है तो भगवान के प्रति भक्ति में हमारी निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, और जब निष्ठा होता है उसके बाद रुचि, हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है, टेस्ट रुचि डेवलप हो जाता है, और उस टेस्ट के दौरान हम लाइक करना शुरू करने लगते हैं और स्वभावतः हम उस चीज को पसंद करना शुरू कर लेते हैं। और जब रुचि डेवलप हो जाता है, हमें रुचि हमें आने लगते, तो क्या होता है अथ आसक्ति, तो आसक्ति डेवलप हो जाता है। भगवान भक्ति के सारे अंगों से या किसी विशेष एक अंग से हमारी आसक्ति डेवलप हो जाती है, हमें प्रारंभ हो जाती है। और यहां आसक्ति और जो भौतिक चीजें हैं उससे अनासक्त हो जाते हैं। और जब आसक्ति आता है तो आसक्ति कौन सा स्टेज, हमने सबसे पहला देखा श्रद्धा, दूसरा देखा साधु संघ, तीसरा देखा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, फिर सिक्स्थ रुचि, सातवां जो है वो आसक्ति, और आठवां भाव, और नाइन्थ वन, मैंने आई थिंक बोला था नाइन्थ, नाइन स्टेजेस, और नाइन्थ जो होता है उसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम, प्रेम भाव के बाद प्रेम। ये सारी चीजें ऑब्वियसली हमारे समझ में अभी नहीं आएगी, आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। आसक्ति तक तो समझ में आता है, भाव समझ में नहीं आएगा, प्रेम भी समझ में नहीं आएगा। साधका नाम प्रेरणय प्रादुर्भावे भवेत क्रमः, ये क्रम है, ये स्टेप्स है जिससे भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग एसोसिएशन, फिर भजन क्रिया जो भक्ति की श्रवण कीर्तन जो है, फिर अनर्थ निवृत्ति, हमारे सारे अनर्थ, हमारे अनवांटेड चीज जो है वो उससे हम फ्री होने लगते हैं, और फिर निष्ठा पैदा होता है, निष्ठा के बाद रुचि, सिक्स्थ नंबर रुचि और आसक्ति सेवेंथ, और फिर भाव, और फिर लास्ट जो होता है नाइन्थ वन, दैट इज प्रेम। ठीक है, तो इसी चीज को रूपा जी ने इस तात्पर्य के अंतर्गत लिख रखा है। सो अब हम लोग 4.11 भगवत गीता श्लोक, भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, और श्लोक संख्या 11। ये भी श्लोक मैंने कई बार चर्चा किया है इसका, मैंने पिछले बार भी इसको टच किया था, और भगवान ने जो पिछले श्लोक में बोला, भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया कि जब कोई व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को समझ लेता है, और इस प्रकार से जानने समझने के बाद वो भगवत धाम को प्राप्त करता है आसक्त होकर के। फिर भगवान ने बताया कि जब कोई भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मान करके भगवान की शरण लेता है, फिर भय क्रोध से मुक्त होकर के वो व्यक्ति पूरी तन्मयता पूर्वक भगवान की भक्ति करता है और दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। और दिव्य प्रेम कैसे प्राप्त होता है, ये स्टेज यहां पर बतलाया गया, ये स्टेजेज होते हैं 9 प्रकार से, इस स्टेज से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। और इस श्लोक में ये बतलाया जा रहा है किसको कितना मिलता है। भगवान बात कर रहे हैं अर्जुन से, भगवान का ये वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है अर्जुन के साथ। तो एक सीरीज में ये सारे श्लोक चल रहे हैं, सारे श्लोक कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मतलब जो व्यक्ति ये यथा माम, भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है, या जितना मेरी शरण में आता है, जिस प्रकार से मतलब जितना, उसी प्रकार से मैं उसको हेल्प करता हूं। और भगवान इस अब सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, भगवान बोल रहे हैं कि सारे मनुष्य, भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वो एक्चुअली हर एक प्रकार से मेरी ही चीजों को फॉलो कर रहे हैं, मेरे ही आदेशों को फॉलो करते हुए मेरे पास आ रहे हैं।
अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूं, जिस भाव से या जिस प्रकार से या जिस श्रद्धा के साथ उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं या उसी के अनुरूप मैं उन्हें हेल्प करता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, सभी प्रकार से। अब ये इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि सभी प्रकार से वो मेरे पथ का अनुगमन करता है, तो तात्पर्य के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान कृष्ण के अनेक स्वरूप हैं। हमने पढ़ा था, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं स। तो भगवान के अनंत नाम है, और एक अवतार हमने पढ़ा, रामादि मूर्तिषु, राम कृष्ण परशुराम, ये सारे बहुत सारे अवतार होते हैं। तो यहां पर उसी की चर्चा है कि हर एक व्यक्ति भगवान को किसी न किसी अवतार, किसी न किसी रूप में ढूंढ रहा है। अब ये तो हुआ भगवान के पर्सनल स्वरूप की बात, लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी थोड़ा सा और हटके बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति भगवान के रूपों को ढूंढ रहा है। मतलब कहने का अर्थ है, यहां पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के साथ भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभुपाद या भगवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अपने काम को कर रहा है, नीति अपने नैतिक कार्यों को कर रहा है तो भगवान तो नहीं है। कोई कोई गैम्बलिंग कर रहा है, कोई मीट मीट जो है मांसाहार कर रहा है, या जानवरों को मार रहा है, या कोई प्लेग्राउंड में खेल रहा है, भगवान बोल रहे हैं हर तरीके से वो मेरे पास आ रहा है विभिन्न रूपों में। इसका मतलब क्या है कि जितने भी चीजें हैं वो भगवान से आती है, तो इसलिए रिलेटेड है। यहां जो प्रभुपाद जी ये और भगवान स्वयं लिख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में ढूंढ रहा है, खोज रहा है। भगवान कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो यहां पर जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था भगवत तत्व की तीन अवस्थाएं होती हैं, ब्राह्मण परमात्मा और भगवान, और उस ब्राह्मण से पहले जो ये इस संसार में जो नॉर्मल पीपल है वो लोग आ गए, जो लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं, दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है वो सोचते हैं कर्म ही पूजा है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निग्लेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो भक्ति है वो कर्म है। तो यहाँ पर उनको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ पर तीन लोगों की चर्चा कर रहे हैं। एक तो वो व्यक्ति जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। दूसरा जो परमात्मावादी है, जो परमात्मा के अंदर समाना चाहते हैं। और तीसरा जो पूर्ण साक्षात्कार किए हुए हैं, जिनको शुद्ध भक्त बोलते हैं। कहने का अर्थ है, रूपा जी बोलना चाह रहे हैं कि भक्ति के कई सारे स्तर होते हैं, जैसे भगवत गीता में कई सारे योगों की व्याख्या है, लेकिन वो सारे अलग अलग योग जो है वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण जो है वो शुद्ध भक्ति, मतलब भक्ति योग जो है वो पूर्ण योग है और पूर्ण साक्षात्कार का की जगह है। तो इस प्रकार से
जो पूर्ण साक्षात्कार है इसके लिए ही हमको कार्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण करेंगे तभी जाकर के हमको पूरी तरीके से भगवत प्राप्ति हो पाएगी। अगर अगर हमें पूर्ण साक्षात्कार नहीं मिला तो हम ब्रह्म बनकर के ब्रह्म ज्योति में ही खड़े रहेंगे और फिर कुछ दिन के बाद हम फिर से हमारा फॉल डाउन होगा, मतलब हम फिर से नीचे इस धरती पे आ जाएंगे। जैसा हमने पढ़ा था, जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाकर के स्थिर होते हैं, और चूंकि उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, केवल वो सत 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 केवल ही रटते रहते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये संसार जो है वो मिथ्या है, मिथ्या मीन्स वो बोलते हैं सारा झूठा है और ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्मवादी केवल ब्रह्म सत्य करते हैं, लेकिन इतना करते 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 भी उनको आनंद नहीं मिलता है, बाद में वो इसी मिथ्या जगत में फिर से आ जाते हैं और कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, ये जगत प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं भक्ति में कि ये जगत मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार मिथ्या नहीं है, ये फैमिली लाइफ मिथ्या नहीं है, ये सोसाइटी ये सब मिथ्या नहीं है, बट टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, उसी को माया बोलते हैं। ठीक है, तो हमको इन सारी चीजों में इन सारी चीजों को समझते हुए क्या करना है, हमको मायावादी या ब्रह्मवादियों की तरह नहीं कि ये सारी चीजें मिथ्याएं हैं और हम सत्य हैं, केवल इतना ही जानना चाहिए, बट हमको जानना चाहिए कि हम सत्य के अलावे सत चित आनंद, ये दो चीजें और होती हैं। ज्ञान, हमें पूर्ण ज्ञान लेना है और पूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी है, और उसको बोलते हैं पॉजिटिव काम करना है हमको। इतना जानने के बाद कि हम ये शरीर नहीं है तो हम हैं क्या, तो हम ब्रह्म है, हम आत्मा है, और हमारा कार्य भगवान के की सेवा करना है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण साक्षात्कार। आगे हम लोग देखेंगे, फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है। मतलब कहने का, जैसे कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति फार्मिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, हाँ, कोई किसी कॉलेज में प्रोफेसर का काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भगवान इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली जो है भगवान के ही स्वरूप से अटैच्ड है। मतलब इनडायरेक्टली, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है तो जितनी सारी चीजें हैं वो इनडायरेक्टली भगवान की एनर्जी है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति केवल भगवान की एनर्जी से अटैच्ड रहेगा और उसको ज्ञान भी नहीं रहेगा, ये ज्ञान भी नहीं रहेगा कि भगवान बोलते हैं जितनी सारी चीजें हैं वो मुझसे आता है, इसका ज्ञान भी नहीं है उसको, क्यों, भगवत गीता न पढ़ता है न भगवान का नाम लेता है। लेकिन भक्त को पता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो सारी चीजें, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो कुछ चीजें हैं वो सारी चीजें भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है, भगवान से उत्पन्न होती है। तो इनडायरेक्टली वो भगवान में लगा हुआ है, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं। तो जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान के पूर्ण साक्षात्कार नहीं होंगे। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। मतलब कहने का है कि हर एक व्यक्ति अपने मतानुसार किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, और जब वो कार्य सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं अब संतुष्ट हो गया। लेकिन चूंकि वो पूर्ण अनुभूति नहीं है भगवान की, वो फिर से वो असंतुष्ट हो जाता है, फिर से सोचता है कोई नया कार्य करें और तब हमको आनंद की प्राप्ति हो, है ना। तो वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार संतुष्ट होता रहता है, फिर असंतुष्ट होता रहता है। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस भक्त की भक्ति जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जैसे हम यहां पर देखते हैं कि व्यक्ति कार्य करता है उसको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है तो आनंद होता है, तो हम क्या देखते हैं कि रिसिप्रोकेशन होता है। कोई व्यक्ति कार्य करता है
किसी की मदद करता है तो व्यक्ति उसकी मदद करता है, कोई व्यक्ति किसी अच्छा व्यवहार करता है वो बदले में वो उससे अच्छा व्यवहार करता है। यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब कोई भक्ति में लगता है तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी एक्सचेंज करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में आकर के उनके साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। पर ये निर्भर किस पे करता है कि वो भक्त भगवान को किस प्रकार से चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। अब यहां पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान से जो हमारा संबंध होता है, हमने पहले भी चर्चा की है कि पांच जो रस हैं, पांच संबंध हैं, उस प्रकार से भगवान से हमारे जब हमारी हमारी भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तब उस प्रकार से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये संबंध जो है वो संबंध तुरंत स्टैब्लिश नहीं होगा, तुरंत ये स्थापित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने 5 दिन 10 दिन या 2 साल 5 साल जप कर लिया और तुरंत जो है हम भगवान में एकदम संबंध स्थापित कर लिया। उसको सेंटिमेंटल बोलते हैं। सेंटिमेंटली हमको नहीं समझना चाहिए कि हमको भगवान को हम पुत्र मान लेते हैं, भगवान को हम प्रेमी मान लेते हैं, ऐसी सारी चीजें नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको भगवान को अपना मास्टर समझ के, हमको अपना उनके दास, हमें उनका दास समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, दास्य का है, सर्वेंट। तो इसी भाव से हमको कार्य करना चाहिए, जिसको साधना भक्ति बोलते हैं, जिसमें हम भगवान के भगवान की सेवा करते हैं। तो इस संबंध के से शुरुआत करनी चाहिए, और जब हम इसकी शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, भगवान के प्रति हमारी रुचि, भगवत भक्ति में हमारी रुचि बढ़ती जाती है, तो स्लोली और स्लोली जो हमारा स्वरूप है वो भी हमको दिखने लगेगा। डाउन द लाइन कितनी तीव्रता है आपकी भक्ति में उस पर निर्भर करता है कि हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। तो हमको ऐसे ही अपने मन से कुछ नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान जो है वो हमारे बच्चे की तरह हम प्यार कर रहे हैं, भगवान के हम प्रेमी हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, कुछ भी समझ लिया अपने मन से। बहुत सारे लोग ऐसा सेंटिमेंटली कार्य करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं हमको करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं और बोलते हैं कि ये संभव नहीं है इस तरीके से रॉन्ग प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। ठीक है, और आगे हम लोग फिर से तात्पर्य देखेंगे। भौतिक जगत में या भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं, और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। मींस यहां ये बतलाया जा रहा है कि अलग अलग डिवोटीज अलग अलग भाव से जब उनकी स्वतः भावना डेवलप होती है उसके अनुसार भगवान भी उसको उसके साथ आदान प्रदान करके अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में, शुद्ध भक्त यहाँ पर मतलब इस संसार में रहते हुए भी और भगवत धाम में दिव्य धाम में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। वे इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति के दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। मतलब हम जिस अवस्था में रहेंगे, अगर हम भगवान की अच्छे से भगवान के नाम का जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसी के अनुरूप हमको आनंद की प्राप्ति होगी।
हम सोचेंगे ऐसे ही माला ले लिया, कुछ भी बोल दिया, अपना आज का काम पूरा खत्म कर दिया, अपना जो भी 16 माला करना है। तो भगवान देखेंगे कि इसकी इसके इसके जप में तो कोई प्रेम तो था नहीं, ऐसे ही ये नेम एंड से काम कर रहा है, तो भगवान भी कोई अनुभूति नहीं देंगे आपको, आपको लगेगा सच में इसमें कोई रस नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। और जब आप उसमें थोड़ा सा अपनी श्रद्धा और प्रेम डालेंगे तो भगवान भी आपको रिसिप्रोकेट करेंगे, भगवान भी उधर से आपको आपकी भक्ति के अनुसार भगवान भी अपने भाव को आपको प्रदान करेंगे, वो यहां पर बताया जा रहा है। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण को उनको अपने तेज में लीन करने की सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर वही बतलाया जा रहा है कि निर्विशेषवादी क्या है, वो सोचते हैं ये शरीर जो है माया है, इसको समाप्त करके हमको भगवान के तेज में, ब्रह्म तेज में लीन होना है, और भगवान उसमें उनकी सहायता करते हैं। और लेकिन वैसे लोग, रूपा जी लिख रहे हैं, भगवान के सद, भगवान के दिव्य सदगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो केवल केवल सत ही जो आस्पेक्ट है उसको पकड़ के बैठते हैं, वो बोलते हैं कि यही सब कुछ है, जो चरम सिद्धि, जो परम सिद्धि है वो भगवान के तेज में विलीन होना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसके ऊपर ऊपर भी स्टेजेस होता है, परमात्मा और फिर भगवान, तो इसीलिए उनको भक्ति के आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। इसकी चर्चा हमने कर ली है, वो वहां जाते हैं और कुछ दिन, कुछ सालों, कुछ युगों के बाद जब उनका मन उब जाता है तो फिर से इस भौतिक लोक में, जगत में आ जाते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, वो करना भी नहीं चाहते हैं, तो दिया कैसे जाएगा, वो जाना ही नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है, सुनना नहीं चाहते, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो फिर से वो नीचे आ जाते हैं। जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी इंपॉर्टेंट, भगवान उन्हें योगेश्वर, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर, यज्ञ के ईश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। सकाम कर्म, जैसे हमने बताया था, आप सभी जो बाहर कार्य करते हैं और आप समझते हैं कि भगवान जो है वो हमें उनकी आराधना पूजा भी करनी चाहिए, तो कार्य के साथ साथ आप भगवान का नाम भी लेते हैं और आपने जो कार्य किया उसका जो फल है उसका एंजॉयमेंट भी करते हैं और भगवान को भी अर्पित करते हैं। मतलब आपको काम की इच्छा भी है, मतलब रिजल्ट की इच्छा भी है, उसको सकाम भक्त बोलते हैं। सकाम कर्मी जो कर्म करता है उसकी फल की इच्छा होती है, तो फल की इच्छा भी होती है साथ साथ भक्ति भी करता है। किस प्रकार से? यज्ञेश्वर मान करके, कि जो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो फल है उसका कुछ भाग हम भगवान को अर्पण करेंगे, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। और निष्काम का अर्थ क्या होता है? वो सोचता है कि कर्म के जितने फल हैं टोटल 100% वो भगवान का है, उसको बोलते हैं निष्काम, निष्काम कर्म। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं, तो ये सारी चीजें भगवान प्रदान करते हैं। जो सकाम कर्मी है उसको कर्म के फल देते हैं, जो योगी है उनको योग शक्ति देते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। और समस्त प्रकार के आध्यात्मिक विविधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। थोड़ा टेढ़ा लाइन है, समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, बिल्कुल क्लियर है। व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा
वो सफल होगा या विफल होगा उसके लिए उसको भगवान की कृपा पर आश्रित होना होगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विविधियां, वेराइटीज, मतलब जब कोई व्यक्ति ज्ञान योग फॉलो करता है, अष्टांग योग फॉलो करता है या भक्ति योग, ये अलग अलग प्रकार की विविध मार्ग है भगवान तक पहुंचने के लिए, तो एक ही पथ में सफलता के विभिन्न कोटियां हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सारे योग जब सफल हो जाएंगे, पूर्णतः सफल हो जाएंगे, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमको एक जगह ही पहुंचाएगा। अगर हमको परफेक्शन मिला तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मवादी है, मतलब ज्ञान योगी है जो ब्रह्मवादी होते हैं, अगर कोई ज्ञान योग को फॉलो कर रहा है तो ज्ञान योग को करते करते जब ज्ञान योग का परफेक्शन आ जाएगा, तब ज्ञान योग के परफेक्शन होने के बाद वो परमात्मा परमात्मावादियों की तरफ, मतलब अष्टांग योगी या अष्टांग योग की तरफ हो जाएगा, तब परमात्मा को वो का आत्म साक्षात्कार करेगा। और जब उस व्यक्ति को परमात्मा का आत्म साक्षात्कार होगा तब वो भगवान की आत्म साक्षात्कार के लिए जाएगा। तो ये जितने सारे योग हैं वो सारे योग अलग अलग जो हैं स्टेप्स हैं, एक सीढ़ी के अलग अलग स्टेप्स हैं, और सबसे ऊपर का जो स्टेप है उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो जितने भी पद्धतियां हैं, जितने भी रास्ते हैं, जब वो रास्ते भक्ति योग में जाकर के मिलते हैं तो जो उनका लक्ष्य होता है, उनकी सफलता का जो लक्ष्य होता है, वो सारे लक्ष्य एक होते हैं और वो भगवान कृष्ण है। तो समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विविधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं, मतलब जो सफलता है ना उसी में डिफरेंट स्टेशंस हैं वो। जैसे भक्ति योग का की सफलता अगर 100 फ्लोर पे है तो जो अष्टांग योग है वो हम बोल सकते हैं कि 70 उसका स्टेप्स है, और जो ज्ञान योग है वो 40-30 स्टेप्स लेवल पे है, और भक्ति योग जो है वो 100 लेवल पे है। तो वही बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट उसी सफलता के लाइन में अलग अलग स्टेप्स पे जाके वो खड़े हो जाते हैं, और जब बढ़ते जाते हैं तो भक्ति योग को प्राप्त करके वो लास्ट में 100% सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। आगे, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, अकामह सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अनुवाद, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का ही इच्छुक क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। इसका मतलब हुआ अकामह सर्व कामो वा, ऐसे मनुष्य जिसको किसी भी फल की कामना नहीं, एक नंबर। दूसरा, जो फल चाहता है, सकाम, जिसको फल की इच्छा है, और तीसरा अकाम, जिसको मुक्ति मुक्ति भी नहीं चाहिए, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। मतलब यहां पर प्रभुपाद जी इस श्लोक के माध्यम से बतला रहे हैं कि इतने वैरायटी के लोग, वैसे एक लोग जिसको कि किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, केवल वो भगवान की सेवा करना चाहता है, दूसरा जिसको अभिलाषा है फलों की, कर्म के फलों की प्राप्त होने की, फिर बहुत सारे लोग हैं जिसको मोक्ष की कामना है। तो इसको बोला जा रहा है कि ये सारे लोग जो है उदार व्यक्ति,
कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, क्योंकि ये सारे लोग तीव्रता के साथ, फोर्स के साथ, प्रेम के साथ भक्ति योग में लगे हुए हैं। क्यों? भक्ति योग में भगवान की पूजा करते हैं, परम पुरुष की, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो और वे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सके। तो हम लोग पहले जप कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपके प्रश्न माला ले लीजिए। ओके नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हम लोग एक साथ मिलकर के जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण।